मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 15 मार्च के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2076 मास चल रहा है चैत्र का, तिथि कृष्ण पक्ष की सप्तमी की तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र अनुराधा, योग है वज्र और करण है वृष्टि। अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करें तो शीतला सप्तमी का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आज आपकी विजय हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। स्नान के जल में फिटकरी डाल करके, फिटकरी मिश्रित जल से स्नान करने से आपको लाभ मिलेगा। बहुत अधिक व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ भगवान भैरव जी की पूजा आराधना करना, ओम भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए घर परिवार की व्यवस्था संतोषजनक रहने वाली है। जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं। किसी से कोई बहुत बड़ी उम्मीद करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए विरोधियों और आलोचना करने वालों को आज आप जवाब दे सकेंगे। आज भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। साथ ही साथ जब भी आप घर से निकलें तो एक हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखिए। रात में सिर में तेल लगा करके घर से बाहर आप मत जाइए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला दिन है। हनुमान जी की पूजा आराधना करें, लाल पुष्प उनको समर्पित करें तो आपको फायदा मिलेगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी अथवा आजीविका में बदलाव की संभावना आपके लिए बनती है। लाल चंदन लक्ष्मी मंदिर में दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहने वाला है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि अधिक तेज गंध वाले सेंट, इत्र, परफ्यूम आदि का प्रयोग आज आप न करें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में आपकी भूमिका में परिवर्तन की संभावना दिखती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, साथ ही साथ ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और किसी वृद्ध व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आपको बचना होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए शेयर या अन्यत्र कहीं निवेश की योजना है तो उसको आप कर सकते हैं, उसमें आपको धन लाभ मिले ऐसी स्थिति बनती है तो शेयर्स में, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा फायदा ले सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को काले और भूरे वस्त्र का दान करना, मीठा और नमकीन भोजन कराना आज आपके लिए कल्याणकारी होगा। भूखे पेट आपको स्वयं आज घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं, लाभ मिले ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कुमारी कन्याओं को कुछ मिष्ठान भोजन कराएं, कुछ दान दक्षिणा देकर के प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी शुभकामनाएं लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, तेज गति में गाड़ी मत चलाइए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए सज्जनों और संत महात्माओं के दर्शन, लाभ और कृपा आज आपको प्राप्त हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। कौवे को मीठी रोटी देना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। सूर्य देवता को जल दीजिए, यात्रा में लापरवाही मत करिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए बड़े बुजुर्गों और पैतृक संबंधों के सहयोग और प्रोत्साहन मिले, इससे आपका कोई बड़ा काम हो जाए ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, गणेश गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और दिन में शयन करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी कार्य में मनोवांछित लाभ बाधित होने वाली चिंताएं आपकी आज बढ़ सकती हैं, तो जो आपको लाभ मिलना था वो बाधित हो जाएगा तो उससे आपको जो है कुछ चिंता मिल सकती है, तो चिंता करने से बचना चाहिए। गौ सेवा करें, गाय को अपने हाथ से हरा चारा, हरा साग वगैरह खिलाना चाहिए। रात्रि काल में उपवन में, बाग बगीचे में जाने से बचना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च अधिकारी के कठोर व्यवहार से आपकी थोड़ी सी निराशा आज बढ़ सकती है। गरीब व्यक्ति को कुछ दान करना, कुछ भोजन कराना आपके लिए कल्याणकारी होगा। साथ ही साथ राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें और संध्या काल के समय में विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं इस एक ऐसा अचूक उपाय जिसको करने से गृह क्लेश आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। पति पत्नी में मनमुटाव ना रहे इसलिए हरसिंगार की टहनी का 1 इंच का टुकड़ा यदि पति पत्नी दोनों जो है ताबीज की
चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारण कर लें या हाथ में बांध लें, तो इससे आपस की जो मनमुटाव तनाव की स्थिति होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। इस कवच को धारण करने से पति और पत्नी दोनों के बीच परस्पर प्रेम तो बढ़ता ही है और आपस के जो कलह क्लेश वाद विवाद की स्थिति होती है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। तो एक एक इंच का टुकड़ा जो है चांदी के या तांबे के ताबीज में धारण कर भर करके गले में या बाजू में पति पत्नी दोनों को धारण करना चाहिए। इससे मनमुटाव सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। कलह निवारण के लिए परिवार में पति पत्नी के बीच अगर अनबन हो जिस कारण सदा कलह बनी रहती हो तो पीपल का बांदा लेकर के, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने कई बार बांदा का प्रयोग बताया तो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि बांदा होता क्या है। किसी एक पेड़ पर, जैसे मैंने पीपल के बांदे की बात कही, तो कई बार क्या होता है कि पशु पक्षियों के द्वारा, खासतौर पर चिड़ियों के द्वारा, दूसरे पेड़ की कोई जो है बीज वगैरह पेड़ के बीच में, टहनी के बीच में कहीं पर आ जाती है और वो वहीं पर जो है दूसरा पौधा उगने लगता है, वो उस मुख्य पौधे से अपनी उर्वरकता लेकर के, उससे भोजन पानी लेकर के वो उगने लगता है। तो पीपल के पेड़ पर अगर कोई दूसरा बांदा जमा हो, दूसरा पेड़ जो उग आया हो, उसको लेकर के किसी चांदी या कांच के बड़े ढक्कन वाले डिब्बी में शुद्ध शहद और श्वेत गुंजा, सफ़ेद गुंजा के 101 दानों के साथ अगर आप रखते हैं और एक नाव की कील भी उसके अंदर डाल करके आप रखते हैं, फिर ऊपर से आप ढक्कन बंद कर दें, घर के किसी कमरे में उत्तर दिशा में अगर आप सुरक्षित इस कांच के बोतल को, इस पात्र को रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और उसके सम्मुख, उसके सामने 11 दिन तक तिल के तेल का दीपक जलाना है। इस उपाय को करने से आपसी कलह क्लेश की स्थिति हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वह दीपक 11 दिनों तक 24 घंटे अखंड दीपक जलता रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। 12वें दिन प्रयोगकर्ता को चाहिए कि वह उस डिब्बी में से नाव की कील को बाहर निकाल करके घर के मुख्य द्वार के ऊपर ठोक दे। एकदम बीचों बीच नहीं ठोकना होता, कॉर्नर में आप ठोक सकते हैं। इस उपाय को करने से शीघ्र ही घरेलू लड़ाई झगड़े कलह क्लेश की स्थिति से आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होते हैं वो निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997-24131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146।
9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@therate.gmail.com पर।